अकेले जा रहे हैं अभी। कल जो रात को दिखा हुआ एग्जैक्टली कहाँ दिखा था जी? जो कल दिखा था वो कहाँ दिखा था? पीछे की तरफ? ना ना, उधर भी दिखा लोगों को, यहाँ भी देखा, पीछे यहीं था। टाइगर हंट ने चार्ज जो करा है पुत्री, और जो टाइगर भाग के आया है हाथी में निकल के, और जो टाइगर के मुंह से जो फिर खड़ा होकर जो टाइगर ने चार्ज किया है मारने को तैयार हाथी के, हम खड़ा होकर जो टाइगर ने हाथ ऐसे चलाया तो मैंने उसको डांटा। डांटने के बाद में जब टाइगर की भाप लगी ना सीने पे, और बाप रे, हाँ तो कहने के हम अपने बच्चे से भी कह के जाएंगे कि कॉर्बेट में आना पर टाइगर मत देखना। अरे सो बैक टू रूम आफ्टर सफारी नंबर 3। ग्रेट साइटिंग, ग्रेट एक्सपीरियंस। फ़र्क पड़ता है, यही फ़र्क है थोड़ा सा बोलने से, थोड़ा टाइम से जंगल में जाने से, एक गाइड लेके चलने से, एक्सपर्ट लेके चलने से। हाथी वहीं के वहीं हैं तो ये फ़र्क पड़ता है। यही छोटी छोटी बातें हैं, लगेगा क्या फ़र्क पड़ता है बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है, वो आप देखोगे शॉर्ट्स में। चलो टाइम टू गो फॉर सम मील्स। हाथी ने आवाज लगाई ना, बेबी बेबी हाथी ने कल रोर सुनाई दिया था। आपने बोला 8 के पास, हमको हमारे कमरे में 8 बजे ही पास ही पीछे से आवाज आई, दो बार रोर किया जोर से। मैंने इस मारे ने आपको उठाया ना, मैंने कहा फायदा कुछ नहीं है, अब आदमी लेट गया। फिर देखा था वैसे कुछ? हाँ। कहाँ? पीछे की तरफ। पीछे कितना दूरी थी? गंजी किनारे पे, रोड के किनारे पे मेल ही था। पर ये 3 दिन हो गए बच्चे दिख रहे हैं, इनकी माँ नहीं दिख रही है। अच्छा, माँ जो हेडिंग वो उसी जगह मिल रहे हैं मुझको आज भी, आज पेड़ वाली ना। बड़े दुख हो रहा है क्योंकि 2 दिन से खाया नहीं हूँ, दिन हो गए खाना नहीं खाया हूँ 2 दिन से, और मुझे तो आज पेट पिचका हुआ है बेचारा। खाना कल ही हमने तो कल ही फोटो देखते बता दिया, मैंने कहा भूखे हैं 3-4 दिन। अच्छा 3-4 दिन से भूखे हैं? इससे ऊपर नहीं, वो लग भी रहे हैं भूखे, पेट पिचक गया, खेलने की भी ताकत नहीं थी, पेड़ तक में नहीं आया। चलो आज भी आप गश्त तो लगाएंगे ना? जी जी जी। तो आएंगे फिर हम, है ना, थोड़ा खाना वाना खा के फिर बातचीत करेंगे। सो अभी हम बैठे थे, डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे और बाहर से कॉल्स आने लग गई, चित्तल की लगातार कॉल्स आ रही हैं। सो कुछ ज़्यादा नहीं, बस डिनर रूम तक जाने की सोच रहे थे, सोचा कि इस बार देखिए कि चल क्या रहा है। याकूब जी आ रहे हैं वहाँ टॉर्च लेके, टॉर्च और डंडा लेके। डंडे डंडे चल रहे हैं, जहाँ कॉल होने लगती है डंडे बजना तेज हो जाते हैं। और है हुआ है क्या, दरअसल अभी डिनर का टाइम है तो इट्स अ वेरी क्रूशल टाइम। चल क्यों नहीं रहे हो? 90% केसेस में, 99 इनफैक्ट, होता कुछ नहीं है बट क्योंकि रात को विजन कम हो जाता है तो नहीं भी कुछ होगा तो इंसान के मन में वहम रह जाता है कि कुछ है। और ये है सामने गेट, फिर कॉल सुनाओ। सुनाई घुमाई हो रही है? हाँ बस घूमने, खाना खा लिया? खाना खा लिया। कॉल चल रहे हैं फिर से? कॉल चल रही नहीं, अभी आई ना कॉल। चित्तल के आए ना 4-5? अच्छा आप उधर होंगे, इधर से आए पीछे से। 4-5 बार बोले चित्तल इधर। आउल बोला है। कौन? आउल। किधर जा रही है? अरे बैठता है ना क्वार्टर्ड वाला। कल वापसी? कल वापसी जाना पड़ेगा। इच्छा नहीं है बट जाना पड़ेगा। आप खुद कहाँ सोते हैं? आपका सोने मैं तो ऑफिस, ऑफिस वाले मेन उधर। हाँ वहीं ऑफिस। अच्छा अच्छा, और सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? मैं उठ जाता हूँ 4 बजे। 4 बजे जी हाँ। और घूमना कितने बजे शुरू करते हैं? बस पानी खोला
रूम पे गए, अपना चाय बनाई, बाथरूम वाथरूम गए, मुँह हाथ धोया और शुरू, और फिर अपना ऑफिस पे गेट बाहर कर दिए सबको। और अकेले घूमते? आप अकेले बाहर भी गए पैदल? क्यों, हमारा काम ही पहले बाहर का था। 42 साल काट दिए हमने बाहर हाथी के साथ। वाह क्या मजा आया। वो जीप ये अपनी सरकारी जीप है, वो कैंटीन तक आई थी। है घूमने का ही टाइम है टाइगर का, जंगल उन्हीं का ही है। हाँ जंगल तो उनका है, हमारा तो नहीं है। हाँ ऑन ड्यूटी लिखा है। अकेले जा रहे हैं अभी। कल जो रात को दिखा वो एग्जैक्टली कहाँ दिखा था जी? जो कल दिखा था वो कहाँ दिखा था? पीछे की तरफ? ना ना उधर भी दिखा लोगों को, यहाँ भी देखा, पीछे यहीं था। ये टंकी के पीछे। क्या टाइम हो रहा है? टाइम 8 बज रहा है। 8 बज रहा होगा। 7:40। और गेस्ट कब तक रहते हैं बाहर? 9 बजे तक? 9 के बाद नहीं ना। और आप 10? हाँ मैं तो रोन मारते रहते हैं, 9:15 बजे पानी बंद करूँगा। एक रोन। अच्छा हाँ पानी बंद हो जाता है, भर के रखना पड़ता। पहले तो गेस्ट वेस्ट रात को घूमते रहते थे, अब तो अलाउड नहीं ना। घूम फिर के क्या मिलेगा रात को? ना ना। के जितना गर्म हो रहा है अब आज आज देखो ठंड नहीं है बिल्कुल भी। आज नहीं है, नहीं है। जैसे यहाँ पे हाथी घूमते रहते हैं तो बाप को हाथी भी देख लेता होगा। हाँ। जो डोमेस्टिक वाले हैं। हाँ, आवाज देंगे फौरन। अच्छा दे देते हैं? हाँ। आवाज लगा देते हैं उनको। हाँ। दिखता है तो उधर स्मेल लेके आवाज दे देंगे। तो वही तो है, जानवर तो एक दूसरे को खबर, उनको तो नेचुरली आदत है। हाँ, ना इंसान तो पढ़ता लिखता है तब समझता है। ये अलार्म जो लगा ये इधर ही लगा गेट के पीछे या पीछे भी लगा? जहाँ उधर उस साइड में जिस साइड में वो आदमी को मारा था। हाँ वहीं लगा है अलार्म। हाँ वहाँ से ही। तो यहीं आते हैं क्या ज़्यादा? हाँ जैसा ये इलाका नहीं छोड़ता वो अपना। अच्छा पर दिन दहाड़े। और ये पीछे की तरफ भी आते हैं जो नीचे की? हाँ पीछे भी आता है, परसों रात बोल रहा था टाइगर। कितना पीछे होता है? नदी में उस तरफ या? नहीं नहीं इस तरफ कैंपस के साथ साथ। हाँ इधर बटिया है ना उसकी, चलने का रास्ता है। अच्छा कितना नीचे है वो कैंपस से? 3-4 मीटर नीचे दीवार से नीचे को चलता। हाँ। है दीवार के पास नहीं चलता ना, ऊपर वहाँ पहुँच नहीं पाता क्या? नहीं नहीं उधर झाड़ी ज्यादा है ना। हाँ तो मजा नहीं आएगा चलने। हाँ। कल तो चल रहा था आवाज कल तो थी, रोर दो, थी। दो रोर मारी कल अब पता नहीं। हमको तो क्लियर सुनाई दी इधर ही है तो। ये हमारा कमरा जो है ना वो पीछे की तरफ तो उधर आती है आवाज, बाकी शांति हो जाती। तो एक दफा आइए अप्रैल में। अप्रैल में? अप्रैल में अप्रैल को मौसम अच्छा हो जाता है भैया। हाँ। कि गर्म तो थोड़ा होता है, रात में तो फिर ठंडा ही हो जाता है। गर्मी की उतनी दिक्कत नहीं है, उत्तराखंड वैसे भी ठंडा है ना जी। जंगल में गर्मी से क्या, पेड़ पौधे इतने। तो अप्रैल में क्या अच्छी सेटिंग होती है? हाँ अच्छी सेटिंग हो जाती है, फिर ये खुला हो जाता है बिल्कुल, मैदान हो जाता है तो पीछे आराम से देखो। यहाँ हाथी उठी खूब देखो। अच्छा दिन में जब सफारी के बीच में बैठ के देखते हो तो चित्तल भी दिख रहे हैं ना? अभी चित्तल उधर होंगे पहली तरफ। ये चित्तल अंदर कैसे आते हैं, कहाँ से आते? जंप करके। तो टाइगर भी कर सकता? देखिए तो भाई जान से क्योंकि हमें तो सुबह एमपी थिएटर के उधर भी दिखे थे ना चित्तल। हाँ। तो अंदर दिख ही रहे हैं। हाँ। चित्तल तो हमेशा से ही दिख रहे हैं जब से हम आए। चित्तल तो हाँ आ ही जाते हैं बट वही है टाइगर आना नहीं चाहता, अवॉइड भी करता है। आ नहीं सकता ये नहीं कह सकते, ये कुछ नहीं कह सकते जंगल। आपका सबसे अच्छा दिलचस्प एक्सपीरियंस क्या हुआ है 42-43 साल में आज तक? पैदल पैदल या गाड़ी में या कैसे भी, सबसे दिलचस्प जो आज भी याद है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं, आप कहेंगे कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं है। नहीं अब क्या झूठ बोलूँगा। एक उस टाइम पे सफारी थी तो मैं यहाँ से दो कपल बिठा के चला गाड़ी में, नहीं हाथी से। हाथी से? अच्छा हाँ पहले होती थी। हाँ, तो एक 6-7 साल का बच्चा हूँ तो यहाँ से गया मैं, तो ज़्यादातर मैं ग्रुप के साथ नहीं चलता था, मैं अकेला ही चलता था। तो मैं जंगल गया था तो जहाँ पर तुमने आज बच्चे देखे
उसके पीछे इधर गंगा की तरफ को मैं किल देख आया सांभर का, तो मैंने कहा अब तो 3-4 दिन की आओ दिखाओ और भागो, और ज्यादा किसी को लाओगे तो फिर वो कोई किधर से छेड़ेगा कोई किधर से छेड़ेगा, हमारा मतलब यह है। तो मैंने कहा अब मैं गया तो बजाय फीमेल के मेल आ गया वहाँ। अच्छा, तो मेल जो है उसे खींच के ले गया। अब मैं वहाँ देख रहा हूँ चारों तरफ चक्कर मारे, मैंने कहा ले किधर को गया ये। खैर वो मैंने उसकी जो पगमास थे वो उठाए तो वो कहने लगा मुझसे कपल जिसके साथ में बच्चा था, वो कहने लगा भाई तुम माऊ जी क्या देख रहे हो। अरे मैंने कहा मैं यहाँ किल था टाइगर उसको खींच के ले गया, वो फीमेल थी और मैंने कहा मेल ले गया उसको उठा के। कहने लगे नहीं चूतिया बना रहे हो तुम, तो उसने कहा तुमने ठप्पे लगा रखे यहाँ। अच्छा हाँ, पंजे बना दिए आगे। तो मैंने कहा जो आपको चूतिया बनाना होता तो इतनी दूर बनाते, करीम में बना लेते, नदी में कहीं। उन्हें माना उसने कहा नहीं तुम चूतिया बना लो। और तो मैंने कहा ये, मैंने कहा ये हमारे मेहमान आए भी, मैंने कहा इनका क्या चूतिया बनाए। अब वो जरा थोड़ा सा तेजी बरतने लगे। अच्छा, तो मैंने कहा ऐसा है, पीछे जो बैठा था कपल वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि चूते तो हम रोज ही बनाते हैं लोगों का। मैंने कहा आप पहली बार कॉर्बेट आए और पहली बार आपने जंगल देखा, और मैंने कहा जंगल को, मैंने कहा आप टाइगर को छोड़िए आप जंगल को देखिए पहले। और खैर कुछ नहीं, मैं बगमास उठाए उसके और मैं घूमता रहा लेन में, तो टाइगर ने जो डांटना शुरू कर दिया। तो छोटा सा एक हॉल था तो उसमें लैंडन की झाड़ी होती ना घनी होती बहुत, तो उसमें हॉल में मैंने निगाह मारी, मेरा टाइगर तो यहाँ बहुत चार्ज कर रहा है, तो देखा तो बैठा हुआ है किल के पास और हाँ लगा है। मगर देखो इस हॉल में से देखो आप झाड़ी के अंदर, और मैंने कहा देखो टाइगर बैठा हुआ। तो कहने लगे वो ऐसा है माहौल जी चूतिया किसी और को बनाइए, कोई टाइगर नहीं है। हाँ, तो मैंने अब भी नहीं सीख रहा इनको। तो मैंने कहा, कहने लगे तुमने तो वो टाइगर जो है वो टेप रख रखा है इसमें। अरे बाप रे, और वो टेप बजा रहे हो तुम बड़े जी। और टाइगर बोल रहा था, और टाइगर बोल रहा था। खैर कुछ नहीं, मैं उसको घूमता रहा 3-4 राउंड मारे मैंने, तो मैं करीब आता रहा उसके, आता रहा वो हूँ हूँ करता रहा। और जब मैंने देखो अब देख लो क्लियर दिख रहा है, कहने लगे नहीं जी हम मानेंगे नहीं। तो मैंने कहा नहीं मानोगे तो मैंने कहा आप जाओ भाड़ में, मैंने ऐसे कहा। मैं भी थोड़ा गुस्सा हो गया। तो जो लेडीज थी वो कहने की तुम इनको क्या कह रहे हो, तो ठहरे वो डॉक्टर। मैंने कहा मैंने हाथी उतारा गुस्से में नीचे नाले में, और नाला मैं नीचे में हुआ ऊपर मैदान था, तो वो और मैं लेबिल हो गया, समझ गया। तो टाइगर हंट ने चार्ज जो करा है ओ तेरे, और जो टाइगर भाग के आया है लैंड हाथी में से निकल के, तो मैंने कहा टाइगर जो है खटोले में चढ़ गया। तो हाथी हो गया नीचे, टाइगर हो गया ऊपर। तो मैंने हाथी को घुटना मार के, मैंने हाथी को जो वहीं से बैक ऊपर पीछे पीछे ले लिया घुमा के। अब मैं भी ढंग में ऊँचा हो गया उससे। टाइगर जब आया है तो झाड़ों के जिंदे, और जो टाइगर के मुँह से जब फिर खड़ा होकर जी टाइगर ने चार्ज किया है मारने को तैयार हाथी के। अब मैंने कहा मेल भी तो था, हाथी को मारने को तैयार था। हाँ, तो मैं इतनी दूर था जैसे खंभा, जब टाइगर खड़ा होकर जब टाइगर ने हाथ ऐसे चलाया तो मैंने उसको डांटा। डांटने के बाद में जब टाइगर की भाप लगी ना सीने पे, अरे बाप रे, हाँ, तो खड़ा रहा टाइगर कम से कम 2 मिनट करीब खड़ा रहा बिल्कुल। फिर टाइगर गिरा नीचे, फिर बैठ गया, बैठने के बाद में फिर गुर्राने लगा। मैंने कहा अब ये जाने को कह रहा है, नहीं नहीं ये कह रहा है कि तुझे मैं जाने नहीं दूंगा। अच्छा, हाँ, तो मैंने भी हाथी खड़ा करके रखा। एक दफे बोलूँ मैं भी घबरा गया, घबरा सा गया। मैंने कहा यार ये दोबारा आएगा तो कहीं हाथी के ये पंजा ना मार दे, और हाथी भाग ना ले। हाथी को भी कंट्रोल किया मैंने। हाथी भागेगा तो गिर सकते हो। हाथी चला गया तो फिर क्या, नहीं भागेगा तो आदमी ऊपर गिर जाएगा आदमी के। अब मैंने उनको देखा तो जब टाइगर बैठा रहा 15-20 मिनट टाइगर बैठा रहा
तो टाइगर टाइगर जो है पीछे को जब चला किले की तरफ को गया, फिर मैंने हटने को जो पीछे किया तो चटपट हुई तो टाइगर फिर चार्ज करा टाइगर वहीं से ही मैंने रोक के रखा। अब उनका जो बच्चा था वो कान के बगल से आगे बैठा हुआ था, कान के बगल से ऐसे करके छूट गया उनसे यहाँ पे। अच्छा, जब मेरे इस जगह लगा बच्चा तो कान के अंदर, वो तो कहोगे बाहर नहीं गिरा, अंदर ही खस गया। अरे बाप रे। तो मैंने उसकी यहीं से जांग पकड़ ली, जांग क्या पैंट पकड़ी, और मैंने उसको वहीं कान के अंदर ही टांगे रखा। अरे बाप, एक हाथ से मैंने हाथी को कंट्रोल करना हुआ पैरों से। जब टाइगर चला गया, जब मैंने पीछे नाले में गया तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इसका हाथ पकड़ो आप, वो सब भूल गए, उनको खुद अपनी सिटी पिटी उनकी कोमा में पहुंच गए, उचारों को चारों जिंदगी में वापस नहीं आ पाए होंगे। हाँ, तो मैं तो जब ये वाच टावर पर सांबरगढ़ को जाते हैं तो वाच टावर है, तो वाच टावर पर आके मैंने ऐसे करके कर बंद कहा, मैंने हेलो सर क्या हाल है, इधर भी इधर वालों से भी कहा, इधर वालों से भी, तो पीले हो गए बिल्कुल, कहने के हम अपनी बच्चे से भी कह के जाएंगे कि कॉर्बेट में आना पर टाइगर मत देख। अरे हार से तो बहुत हो गए, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो जब जंगल में आदमी चलता है ना तो थोड़ा बहुत होता है रिस्क, तो होता ही होता ही रिस्क तो है। ये तो शहर से है भी दूर। देखिए, जबकि आदमी जो है ना अपने शहर में या गांव में सुरक्षित नहीं है कि पता नहीं कब दूसरे आदमी का मूड बदल जाए, कोई मार दे, है ना, एक दफे कोई जानवर छोड़ देगा, आदमी नहीं छोड़ेगा, आदमी नहीं छोड़ेगा, तो बात है जी। सबसे खतरनाक जानवर तो आदमी है, आदमी। और वैसे भी टाइगर को जब तक दिखता नहीं ना सबको लगता है कि ठीक है जानवर ही तो है। देखो वो टाइगर बच्चे हैं, अब वो 3 दिन हो गए दिखते दिखते उसी पेड़ पे हैं, समझे, पर लोग जब भी पीछा नहीं छोड़ रहे, उन पर तरस नहीं खा रहे हैं कि इनको यार इनसे हट जाए, एक तरफ को देखा और अपना गाड़ी निकल जाए, समझे। और कल मैं इस बात को कहूंगा जरूर ऑफिस, उधर ऑफिस में, हाँ, जो आज अकेले गाड़ी में गए थे ना, इसी गाड़ी में गए थे, मैं उनसे कहूंगा जरूर कि कोशिश करना, कि कोशिश ये करो कि टाइगर देखो और भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, क्यों बच्चे हो जाते हैं परेशान। आज कोशिश करी उन्होंने, आज उन्होंने भगाया, आज हटा रहे थे, चादर खड़ी नहीं उन्हें दे रहे थे। याकूब भाई पहला इंसान मिले जिनको टाइगर की इतनी फिक्र है, उन्होंने सोचो कितनी बड़ी बात है। उन्होंने बोला कि वो कल बोलेंगे कि प्लीज़ उनको डिस्टर्ब ना करें, अगर खाना मिले तो ठीक है वरना देखें और आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात है, जब से जंगल आए हमें ऐसे जानवरों के लिए सोचने वाला कोई मिला नहीं। यस, निकाला कि ये तो क्लियर हो जाता है कि टाइगर सच में जेंटलमैन एनिमल है, एकदम एकदम सही बोला। 99.9 भी नहीं, इनफैक्ट 100% केसेस में अवॉइड करता है, बहुत अवॉइड करता है भाई। ये जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है तभी वो एक्ट करता है। इन अदर टर्म्स, अगर आप उसकी टेरिटरी में गलत तरीके से गलत जगह पे हमें पे गलत पोजीशन में जाओ, वरना नहीं करता। दे आर वेरी डिफरेंट। मतलब जब भी आती हूँ खुश करती है, गर्व महसूस कराती है, वो ये है कि यहाँ पे थोड़े रूल्स स्ट्रिक्ट हैं जो कि ज़रूरी है, और ये रूल्स स्ट्रिक्ट यहाँ की गवर्नमेंट की वजह से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से हैं। लोगों को शायद थोड़ी तकलीफ़ होती होगी सुन के कि ये क्या है, वहाँ तो ऐसा नहीं होता, यहाँ तो ऐसा नहीं होता, बट अच्छी बात है कि यहाँ होता है क्योंकि नियम ज़रूरी है इंसान के लिए। नियम बहुत ज़रूरी हैं, वरना इंसान तबाही मचाने में पीछे हटता नहीं है, और जानवर की सुरक्षा करना FD वालों का कर्तव्य है। तो वो जो भी कर रहे हैं मुझे लगता है कि सब ज़रूरी है, चाहे वो गाड़ियों को ज़्यादा रुकने ना देना है, चाहे वो स्ट्रिक्टनेस है कि
मुंह पे मत लगाओ। फिर यहाँ का जो यहाँ इस पार्क का बेस, इस पार्क का एक बेसिक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, जब आप एंटर करते हो तो आपको एक गार्बेज बैग दिया जाता है कि अपना घर गंदा करो, जंगल नहीं, कि अपने शहर का कचरा अपने शहर ले जाओ। हाँ, वो गार्बेज बैग, वो गार्बेज बैग आपको एक मैसेज की तरह है कि प्लीज़ अपना गार्बेज अपने पास ही रखिए, अपना दिमाग का गंद और साथ का गंद फैलाए नहीं। टू नाइट्स के स्टे में सेकेंड नाइट भी इसी के साथ हुई खत्म। अब आपसे मिलेंगे लास्ट सफारी में। अब सुबह पता चलेगा कि बच्चों का पेट भरा या नहीं, उनकी माँ आई या नहीं, और साथ ही ढूंढेंगे पारो और उसके बच्चों को, जिसने पिछली ट्रिप पे हमको ड्रीम साइटिंग दी थी।